अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई आज काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ, वरना बहुत अरसा हो गया कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो बस ऐसे ही आज दिल चाह के यार व्लॉग बनाकर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों का बस वीडियो बना रहा हूँ और व्लॉग वगैरह आने लगे, बर्ड्स दिखाने बर्ड्स इतने अच्छे अच्छे माशा अल्लाह से आए हुए हैं भाई। ये देखने माशा अल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा ये ग्रीन विंग मकाव है, माशाल्लाह ज़रूर कहना है भाई सबने, बहुत खूबसूरत सा मकाव होता है। अच्छा, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मकाव होता है भाई, ठीक है ना। अभी इसको जो है बस इसी केज में डाल देते हैं बड़े वाले में, ताकि ये थोड़ा इजी होके इसमें बैठे। तो बस चलें भाई इसको इसके अंदर डाल देते हैं। पहले इसको खोलना पड़ेगा भाई, ये पहले इसको खोल दिया। चलो छोड़ो चलो बिस्मिल्लाह। चलो भाई इसको तो इसमें डाल दिया माशाल्लाह। अब ये है कि इसमें खुश रहेगा, कम से कम बड़ी जगह ना, सब इसे लॉक कर देते हैं। और ये देखें भाई माशाल्लाह से तकरीबन ना ऐसा लगेगा। दाना पानी खैर लगाना है इसके अंदर, अभी दाना पानी कुछ लगाया हुआ नहीं है। बाकी खैर भाई अभी अंदर चलते हैं। और हमारे डीएनए वाले भाई आए हुए हैं, हमजा भाई। तो बस भाई डीएनए निकल रहे हैं और एक आध बर्ड का डीएनए निकालते दिखा भी दूंगा। तो भाई ये देख रहे हैं, ये हमजा भाई हमारे डीएनए निकाल रहे हैं कॉल पर बात करते करते। इनका तो मतलब ऐसा है कि स्टिल सीन है। और माशाल्लाह से देख रहे हैं अल्बाइनो रेड आई और ये अल्बाइनो ब्लैक का है, ये पार्ब्लू ऑफलाइन देख लें। हाँ यार, मैं ये कहने वाला था पार्ब्लू ऑफलाइन आया हुआ, बहुत ज़बरदस्त है, टॉप क्वालिटी के बर्ड्स हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल मैंगो ऑरेंज हेड के पीसेज हैं। खैर यार, बाकी बहुत आजकल मसरूफियत चल रही है। और ये कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँगी, ये देख लें भाई, ये पूरा लगवा दिया गया है क्योंकि दीवार बड़ी गंदी हो रही थी, कलर करवाने के लिए पैसे इनके गरीब लोग हैं मालूम है आप लोग को। तो यार खैर अभी डीएनए निकलवाते हैं। अच्छा, डीएनए तो सारे निकल चुके हैं, लेकिन जो है डीएनए निकालने के चक्कर में कुछ परिंदे निकल चुके हैं इसके अंदर से, कुछ ऑफलाइन निकले शायद। ये देखो बल्कि ये एक गेरा, एक बुरा और एक बुरा। तो बस ये पकड़ना है सबके से, और ये पकड़ता हूँ पहले तो भाई, देखते हैं कि आता भी नहीं आता। खैर आ ही जाएगा यार, आता तो वही उसको खैर पकड़ यूँ डालो बस सब पकड़ ले। चलो भाई शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों को पकड़ लिया, बहुत मुश्किलों से पकड़ा, खासतौर पर पार्लो ऑफलाइन को। खैर भाई पकड़ के डाल दिया और उनको अपनी जगहों पे भी डाल दिया। और अब ये कि इंतज़ार करना है डीएनए कब आएंगे कब नहीं आएंगे। और बाकी अभी छत पे चलते हैं और छत पे जाके जो है भाई मुझे इनको डबों के ऊपर डालना है, छत पे लेके आना है, क्योंकि जो है धूप है, धूप की वजह से थोड़ा अच्छा रहता है धूप में डब अगर हो। बाकी ये कि ऊपर चल के बताता हूँ और चीज़ें भी दिखाता हूँ कि क्या क्या है। और छत डब लेकर आ गया हूँ ऊपर सारी की सारी, बाकी वो और भी हैं, बाकी जो लड़कों से पकड़वा के वहाँ पर रखवा दी, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें मैं लेकर आ गया। अब बस इसे रखते हैं भाई यहाँ पर और बस ये दिखा दूँ पहले तो, यहाँ रखते हैं डायमंड वाइट डब को सारी की सारी। खैर अभी अच्छा, इन्हें धूप क्यों लगाते हैं भाई मैं बता दूँ यार, ये धूप इसलिए लगाते हैं कि ये गर्मियों का परिंदा है एक तरीके से, और ये गर्मियों में ब्रीड बहुत अच्छी करता है, जिन्हें जितनी ज़्यादा धूप लगा उतना ज़्यादा वॉश करता है अपने आप को, जैसे कि ये इसमें कुछ कुछ वाइट वाइट हो रहे हैं ना, पूरे वॉश हो रहे हैं, तो बस इसलिए धूप लगाई जाती है इनमें। बाकी खैर यार छत की सफाई वगैरह करनी है, बस छत की सफाई करते हैं थोड़ी देर में। तो भाई सफाई कर दी है और डब्स को मैं हर नीचे लेके जा चुका हूँ। अच्छा ये कुरली जो है मैंने यहाँ अभी नीचे गिराई हुई है, यहाँ थी। अच्छा जो अभी मैं बच्चा दिखाऊंगा वो जो ना इन दीवारों के ऊपर चल रहा होता है, तो मैंने सोचा यार खुदा ना खास्ता वहाँ रोड भी है तो कहीं ऐसा ना गिर बिरा जाए, इसलिए अभी हटा दूँ। तो इंशाल्लाह आगे कुछ करते हैं उस बच्चे की सेटिंग करते हैं, वो तो खुला रहता है छोटा बच्चा है। बाकी अच्छा मैं बकरे दिखा दूँ बाकी के। अच्छा ये पुरानी वाली बकरी है हमारी, ठीक है सॉरी नई वाली बकरी है, इसका सिंग टूटा हुआ यार, टूटा हुआ क्या टूट गया। तो बाकी एक ये बकरी है माशाल्लाह, ये माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारी बकरी है, बहुत अच्छी बकरी है माशाल्लाह से, मुझे खासतौर पर पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। बाकी वो एक पुराना वाला बकरा है, ये भी पुरानी वाली बकरी है, ये भी पुराना वाला बकरा है, और ये एक नई बकरी है। बाकी वो बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया भाई, तो चले मैं वो बच्चा दिखा दूँ पहले तो आपको। यहाँ एक तो जगह भी नहीं है, एक तो इतनी ख़तरनाक जगह आई हुई है, और ये हमारे पुराने वाले बकरे बहुत ख़तरनाक है भाई ये भी। अच्छा ये मुर्गे तो मुर्गियाँ तो ऐसे खुले रहते हैं, अच्छा ये मुर्गा बहुत मारता है ये, वो देखें बल्कि वो बकरी का बच्चा बोरा उनके पिंजरे में, मुर्गियों के पिंजरे में घुसा हुआ है। खैर यार क्या कर सकते हैं, उसकी मर्ज़ी, खुला रहता है जो करना है कर ले भाई। बाकी अच्छा मैं एक चीज़ दिखाऊँ आप लोग को अभी, चले भाई चीज़ दिखा दूँ पहले तो। अच्छा ये आपको पहले मैं जगह दिखा दूँ, ये देखें भाई जगह पहले तो, क्या जगह बनी हुई है यार ये, ठीक है कैसी, ऐसा लग रहा है कोई बाड़े के अंदर आए हैं।
लेकिन भाई ये बाड़ा नहीं है, छत है ये। इंशाल्लाह भी कुछ टाइम के अंदर अंदर इसको कवर करते हैं, कुछ सेट करते हैं, पिंजरे बॉक्सेस पता नहीं का नात पता नहीं क्या कुछ नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह इस जगह को कुछ करते हैं, सेट करते हैं, पिंजरे वगैरह हटाते हैं, थोड़ी बड़ी जगह करते हैं बकरों के लिए, बकरे भी ज़्यादा हैं, थोड़ा मुश्किल हो रही होती है हमें भी, तो कुछ करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो वीडियोज़ आने वाली हैं वो आपको मिल जाए अच्छी अच्छी सी ज़बरदस्ती और भी। और कमेंट अच्छे अच्छे करें, लाइक करें वीडियो अगर पसंद आई हो तो। ब्लॉग को भी यहाँ करते हैं एंड, टाइम भी हो गया ज़्यादा, अभी नीचे जाना है, नीचे को कस्टमर्स आए हैं वो भी देखना है, उनको भी देखना है। तो बस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, सबने अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।